हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट मेटलर्जी ऑफ आयरन के बारे में, ठीक है। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, अपनी सेकंड मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड मेटल है आपकी कॉपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मेटलर्जी ऑफ कॉपर के बारे में, ठीक है। चलिए मेटलर्जी ऑफ कॉपर देखिए, अगर हम बात करें मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए मेन ओर, जो हम मेन ओर काम में लेते हैं इसके लिए, दैट इज CuFeS2, कॉपर पाइराइट्स CuFeS2 को हम काम में लेते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर है ये आपकी, एक क्या है आपकी सल्फाइड ओर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लिए, अगर सल्फाइड हो रहे तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हम कौन सा मेथड काम में लेंगे इसके लिए। इसके लिए हम काम में लेंगे आपके फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड को हम काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी सल्फाइड ओर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेप, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, जो आपकी ओर है उसका ऑक्साइड में कन्वर्जन, वो हम करते हैं रोस्टिंग के जरिए। किसके जरिए? रोस्टिंग के जरिए। रोस्टिंग होती है आपकी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो रोस्टिंग में होता क्या है, ये आपका जो ओर होती है CuFeS2, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है आपके Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो ट्वाइस, ठीक है। चलिए रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। तो रोस्टिंग का काम क्या है, मेन जो आपकी सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी आपकी रोस्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी नॉन इम्प्योरिटीज, जो भी आपकी वो होती है इम्प्योरिटीज, वो भी रिमूव होती है, ठीक है। ये जो CuS है और FeS है दोबारा फर्दर रिएक्ट करेंगे आपके O2 से, ठीक है, और ये बनेगा आपके Cu2O प्लस SO2, ठीक है। और FeS प्लस O2 गिव्स यू FeO प्लस SO2, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, दैट इज 3/2 एंड 3/2, ठीक है। तो जो आपके कॉपर कि जो हम मेटलर्जी पढ़ते हैं उसमें आपको FeS मिलेगा, मतलब कॉपर की मेटलर्जी में आपकी जो मेन इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, आयरन की होती है, FeS, इसको अपने को रिमूव करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपके नॉन इम्प्योरिटीज़ जो होती है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़, वो भी रोस्टिंग के जरिए रिमूव हो जाती है। नॉन मेटेलिक impurities are also removed in the form of their volatile oxides like, कौन कौन सी हो सकती है आपके, फॉस्फोरस हो सकती है, आर्सेनिक हो सकती है, सल्फर वगैरह हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड, दैट इज रोस्टिंग, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं आपका स्मेल्टिंग, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, किया आपने। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में, दैट इज मतलब जो थर्ड पॉइंट है जो हमने देख लिया है,
रोस्टिंग हो गई है। थर्ड है आपका स्मेल्टिंग। ठीक है, अपने को रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन भी कर हम करेंगे और इससे पहले हम स्मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, स्मेल्टिंग हम करेंगे। स्मेल्टिंग में क्या होगा, आपके पास जो ओर है प्लस आप लोगे फ्लक्स, दैट इज SiO2, ये आपका एसिडिक फ्लक्स रहेगा, और साथ में आप लोगे कोक, दैट इज कार्बन। ठीक है, इनको मिक्स करके आप स्मेल्टिंग करोगे। स्मेल्टिंग से होगा क्या, स्मेल्टिंग से आपके ये जो CU2S है ये दोबारा आपके रिएक्शन करता है FeO के साथ। ठीक है, और CU2O फॉर्म करता है, साथ में FeS फॉर्म होता है, CU2S आपकी रिएक्शन करेगा। CU2S आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, CU2O में कन्वर्ट हो चुका है। तो CU2O रिएक्शन करेगा, मेन इम्प्योरिटीज होती है आपकी FeS की। ठीक है ना, FeS के साथ में रिएक्शन करेगा, आपको फॉर्म होगा CU2S प्लस FeO। ठीक है, ये होती है मेन इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस FeO की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, SiO2 के साथ, दैट इज एसिडिक फ्लक्स। ये आपका इम्प्योरिटीज है। ठीक है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो ये आपकी बेसिक इम्प्योरिटीज है। बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आप एसिडिक फ्लक्स काम में लोगे, ये है आपका एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म होगा FeSiO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक। क्या बोलते हैं, स्लेक। और ये स्लेक के फॉर्म में आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, स्लेक के फॉर्म में आपका ये रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जो बॉटम ऑफ द हर्थ होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग, आपके कहाँ पे होती है, आपके जो पहले प्रोसेस थी रोस्टिंग की, वो होती है आपके रिवर बैटरी फर्नेस में। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिवर बैटरी फर्नेस में होती है आपके। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्मेल्टिंग की अगर हम बात करें तो स्मेल्टिंग से क्या होगा, ये आपके ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ठीक है, तो FeSiO3 से आपकी Fe की जो इम्प्योरिटी है वो तो आ गई आपके रिमूव। ठीक है, जो आपके हर्थ होता है, बॉटम होता है जो आपके, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलता है, एट हर्थ द मोल्टन मेटल ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के हर्थ पे। ठीक है, एट हर्थ द मोल्टन मेटल ऑफ CU2S और ए मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड मेट, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेट बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। मेट में क्या होता है, आपके CU2S प्लस FeS, इन दोनों का मिक्सर होता है। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मेट। ये आपके हर्थ में आपको मिलेगा, ये कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CU2S एंड FeS। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज स्मेल्टिंग। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट आएगा, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, इसमें सेल्फ रिडक्शन होता है आपका कॉपर का, उसके बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके रिडक्शन के बारे में। तो आपका जो कॉपर होता है वो सेल्फ रिडक्शन होता है उसमें। ठीक है, फोर्थ आपका पॉइंट है, दैट इज रिडक्शन रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ जो होता है आपका कॉपर में सेल्फ रिडक्शन होता है।
सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा आपके, कोई भी मान लो अगर FeS प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपके FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में SO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, और ये जो FeO होता है ये दोबारा SiO2 से रिएक्शन करके आपके FeSiO3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एज ए स्लेक। क्लियर। अब मान लो यहाँ पे आपके FeS के साथ में Cu2S की जो इम्प्यूरिटीज रहे, जो Cu2S प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो भी रिएक्शन करेगा O2 से। ठीक है, यहाँ से आपको मिलता है Cu2O प्लस साथ में मिलेगा SO2। ये जो आपका कॉपर का सल्फाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा आपका Cu2O रिएक्शन करता है किसके साथ, Cu2S के साथ, ठीक है, और फॉर्म होता है आपके कॉपर प्लस SO2। ठीक है, यहाँ से आपको जो कॉपर मिलेगा, यहाँ से जो आपको कॉपर मिलेगा दैट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं, जबकि उसमें आपके घुली डिजोल्व फॉर्म में क्या रहेगी, आपके SO2 रहेगी, मतलब कॉपर रहेगा उसमें घुली भी रहेगी आपके SO2 गैस। तो जब वो ठंडा होता है तो ये जो SO2 गैस होती है इसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है आपकी सॉलिड फॉर्म में, तो ये बाहर निकलती है। तो जब ये गैस फॉर्म में बाहर निकलेगी तो कॉपर की सरफेस के ऊपर आप ब्लिस्टर बना देती, क्या बना देती, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब आप समझ सकते हो जैसे फफोले टाइप में होते हैं ना, वैसे फॉर्म कर देगी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। ठीक है, तो पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर आपके छोटे छोटे ब्लिस्टर्स नजर आएंगे आपको, इस तरीके से, इस तरीके से ब्लिस्टर नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे, इस कॉपर को क्या बोलते हैं, आपका ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। तो ये तो हुआ अपना मेथड फोर, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, अब हम अपना लास्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर की रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर आप सभी को पता होगा, आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है उसमें हम कॉपर के वायर का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो कॉपर की जो प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अराउंड 99.9% होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी हाई प्योरिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं, किसकी, कॉपर की। ठीक है, तो बात करें हम करें फिफ्थ मेथड, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हम दो मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपके दैट इज पोलिंग, फर्स्ट मेथड इज पोलिंग। पोलिंग में हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है रिफाइनिंग के मेथड्स में, पोलिंग में हम क्या करते हैं, एक बड़े से कंटेनर में जिसमें आपका जो ओर प्रेजेंट है वो लेते हैं, ठीक है, जो आपका कॉपर है, उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, ग्रीन वुड जो उसके पोल्स होते हैं उनको कट करके उसमें डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं आपके कॉपर के साथ। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन है ये ग्रीन वुड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन करेंगे Cu2O से, अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये CO बनाएंगे, साथ में आपके CO2 प्लस H2O फॉर्म होगी, यहाँ से जो आपको कॉपर होगी वो अच्छी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसका सेकंड मेथड जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम काम में लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आप लोगों ने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना, हमने पढ़ी है रिफाइनिंग के मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एक तो इम्प्योर कैथोड होता है जिसकी थिन शीट होती है, क्या होती है, थिन शीट, ये आपके थिन शीट ऑफ इम्प्योर
कॉपर, ठीक है, ये है आपका कैथोड, और एक होता है आपके पास थिक शीट। थिन शीट है ये आपकी प्योर होगी, ठीक है ना, प्योर कॉपर नाम की हम थिन शीट काम में लेते हैं, ठीक है। जो एनोड होता है उसकी हम थिक शीट काम में लेते हैं, और वो होती है आपकी इम्प्योर, ठीक है। ये होती है आपकी थिक शीट ऑफ इम्प्योर कॉपर, ये होता है आपका एनोड, ठीक है। और यहां पे हम भरते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या भरते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये किसका होता है, उसी मेटल का होता है जिसकी आपको रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। जैसे अपने को कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो हम यहाँ पे जो काम में लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज CuSO4, उसका हम सॉल्यूशन काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन कैसे होती है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको Cu2+ प्रेजेंट रहेंगे आपके एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, Cu2+ है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वहीं जो एनोड हो आपका, एनोड क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। एनोड का होगा ऑक्सीडेशन, दो इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा और Cu2+ की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां से सॉल्यूशन से Cu2+ आयन का रिडक्शन हो रहा है और कैथोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और कैथोड पे जाके आपका कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। वहीं एनोड से जिसकी थिक शीट हमने काम में लिए, वहां से Cu जो है कॉपर वो आपके Cu2+ के फॉर्म में दोबारा से सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। मतलब यहां से आपका कॉपर निकल रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, और वही कॉपर आपका कहां पे जा रहा है, कैथोड में, ठीक है। तो एनोड से आपका कॉपर जा रहा है कहां की तरफ, कैथोड की तरफ, सॉल्यूशन के थ्रू। ये आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, ये जो शीट है उसमें से कॉपर निकलता जा रहा है, तो ये जो शीट है ये आपकी धीरे धीरे पतली होती जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपका कैथोड की थिन शीट थी उस पर जो आपका कॉपर है वो डिपॉजिट होता जा रहा है कंटिन्यू, तो आपकी जो ये शीट है ये क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एट द एंड आपके पास यहाँ पे एनोड में केवल और केवल इम्प्यूरिटीज बचेगी, क्या बचेगी, केवल और केवल इम्प्यूरिटीज बचेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोड मल्ड, क्या बोलते हैं हम, एनोड मल्ड। और इस एनोड मल्ड में आपके Ag, Au, प्लेटिनम ऐसी प्रीसियस मेटल्स ऑब्टेन होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ट्रेसेस में होती है, कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। सॉरी, तो ये होता है आपका एनोड मल्ड, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं आपके, और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, और एनोड से कॉपर निकल के Cu2+ के फॉर्म में आपके फिर से एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी रिफाइनिंग। यहाँ से जो हमें कॉपर ऑप्टन होती है उसकी जो प्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्योरिटी होती है, अराउंड 99.95% प्योरिटी होती है इसकी। तो इतनी हाई मच प्योरिटी ऑप्टन करने के लिए हमें जो मेथड काम में लेना होगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, हमने मेटलर्जी ऑफ कॉपर के बारे में बात की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम एक दिन में एक ही मेटलर्जी लेते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। लास्ट लेक्चर में हमने आयरन की ली थी और आज हमने कॉपर की ली थी। जो हम और काम में लेते हैं दैट इज कॉपर पाइराइट CuFeS2, सल्फाइड और है तो
तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को हम काम में लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग होती है, ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, ठीक है, सल्फाइड का। इसके अलावा नॉन मेटेलिक जो इम्प्यूरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग से आपकी जो ओर है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन, या फिर आपकी कार्बन के साथ वो सिलिका, ठीक है, जो सेंट की फॉर्म में होती है, तो आपकी जो आयरन की इम्प्यूरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है। याद रखना कि कॉपर की जो मेटलर्जी होती है उसमें जो इम्प्यूरिटी होती है इम्पोर्टेंट, वो होती है आपकी आयरन की, और उसी को हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने रिडक्शन का मेथड देखा, दैट इज सेल्फ रिडक्शन होता है आपके कॉपर का, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा उसकी रिफाइनिंग, ठीक है। इससे जो आपको कॉपर मिलती है उसे हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा आपका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे अराउंड 99.95% प्योरिटी वाली आपको कॉपर ऑब्टेन होती है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी और नए मेटल की मेटलर्जी के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।